गुड इवनिंग। आज हम लोग आगे बात इवनिंग करते हैं। फिर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे इससे पहले? तो शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम, आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट को दूसरा नाम क्या आप लोग को पता है? मैंने बताया है इक्विलिब्रियम जीडीपी। आउटपुट को हम क्या कह सकते हैं? जीडीपी भी कह सकते हैं। और आउटपुट हमारा किसके इक्वल होता है? हमारा तो इनकम के, इक्विलिब्रियम इनकम। हमने क्या क्या बात कर रखा था? तो हम आप लोग को ये बता रखे हैं कि शॉर्ट रन क्या होता है। क्या बताया था कि शॉर्ट रन का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हो, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ रहा है। अब क्या दिक्कत है इक्विलिब्रियम आउटपुट में? तो इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब है वो कौन सा आउटपुट का लेवल हमारे इकोनॉमी में जिस पे सर क्या बात कर रहे थे? इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब है कौन सा आउटपुट का लेवल या फिर कौन सा जीडीपी लेवल जिस समय जिस टाइम पे जितना कंज्यूमर डिमांड करने वाला है और जितना प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा, जो कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे दोनों बराबर हो, वही हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम लेवल। मैंने आप लोग को बताया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या है? दैट लेवल ऑफ आउटपुट इन अ इकोनॉमी वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड के बारे में आप लोग को मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में भी बहुत बारी बता चुका हूँ। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? तो मैंने क्या बनाया था, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था। इक्विलिब्रियम का पहला ग्राफ मैं बना रहा हूँ। क्या बनाया था हम लोगों ने? आप लोग को पता है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनकम और जीडीपी। यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम लोग? तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, दो चीज प्लॉट कर रहे हैं। आप लोग को पता है एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होता है। जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है, अल्टीमेटली वही हमारा इनकम में कन्वर्ट होता है। तो आप लोग को लाइन मैंने बता रखा है कि एग्रीगेट सप्लाई का लाइन क्या होता है हमारा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बोथ एक्सिस। ये आप लोग को मैंने बता रखा है। एग्रीगेट डिमांड आप लोग को पता है दो चीज का एडिशन होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ध्यान रखना कुछ नहीं करना है। एक यहां से कोई अपने मन से लेवल मान के इसको भी अपवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ कर देना है। कैसे ड्रॉ हुआ तो आप लोग को अच्छे से पता है, कंजम्पशन का कोई डेटा होगा। मान देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा लाइन किसका है? कंजम्पशन का। और इन्वेस्टमेंट का लाइन कहाँ पे है? ये लाइन में मान लेता हूँ इन्वेस्टमेंट का। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है और ये कंजम्पशन की लाइन है, तो एग्रीगेट डिमांड की लाइन क्या होगी? तो कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट ऐड करते जाएंगे, ये वैल्यू हमेशा ऊपर बढ़ाओ। यहाँ पे ऐसे 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 कंजम्पशन की ये लाइन है और इन्वेस्टमेंट की ये लाइन है। तो एग्रीगेट डिमांड की लाइन कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऐड कर दिए, इसको ऊपर करते जाएंगे।
कहने का मतलब समथिंग हमारा ये जितना ये वैल्यू है, ये हमारी लाइन किसकी आएगी, एग्रीगेट डिमांड की। हम लोग को ये ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, जब भी पूछेगा इक्विलिब्रियम तो ये ग्राफ आप लोग को ड्रॉ करना बेकार का है, अननेसेसरी है। आप लोग को दो ही लाइन ड्रॉ करनी है, एक एएस की लाइन और एक एडी की लाइन। अब ध्यान देना इसी में, ये पॉइंट पे क्या है, ये पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई सप्लाई, ये कहलाया इक्विलिब्रियम आउटपुट। आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम जीडीपी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग जानते हो, ये पॉइंट पे दोनों में कौन ज्यादा है। तो देखो एडी की लाइन ऊपर है और एएस की लाइन नीचे है, कहने का मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो जाएगा, तो एएस की लाइन ऊपर है, एएस ग्रेटर देन एडी। अब इसी में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, इसी में कुछ पॉइंट चलो हर पॉइंट लिख लेना स्टार मार्क देके। ये रीजन क्या कहलाएगा, तो सर ये रीजन कहलाएगा डिमांड और डेफिशिएंट। सर हाँ सप्लाई भी कहलाएगा, ये रीजन क्या कहलाएगा, तो आप लोग को अच्छे से पता है एक्सेस सप्लाई और डेफिशिएंट डिमांड। अब कुछ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसी के बारे में, इसके बारे में लोग और भी आगे पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ। सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई और डेफिशिएंट डिमांड इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ एक्सेस सप्लाई और डेफिशिएंट डिमांड, ये हमारा लिखा हुआ है सिंबल के टर्म में ए एस ग्रेटर देन ए डी। सम ऑफ द गुड्स वुड बी अनसोल्ड विद द प्रोड्यूसर टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, द प्रोड्यूसर वुड प्लान अ कट इन प्रोडक्शन, कंसिक्वेंटली एग्रीगेट सप्लाई वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। हम लोग एक और पॉइंट लिख देते हैं स्टार मार्क देके यहाँ पे, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। इन द इकोनॉमी टेन्स टू बी लेस देन देयर डिमांड। हेयर प्रोड्यूसर सफर द लॉस ऑफ अन फुल फील्ड एफ यू सिंगल अनफुलफिल्ड डिमांड। टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन। आप लोग इसको राइट डाउन कर लो, आप लोग इसको राइट डाउन कर लो जल्दी से। कि अगर क्या है, तो अगर एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है हमारा, कि एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर है एग्रीगेट डिमांड का, डिमांड से। तो अगर एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर है हमारा किस चीज से, एग्रीगेट डिमांड से, तो ये सिचुएशन क्या कहलाया हमारा, एक्सेस सप्लाई और डेफिशिएंट डिमांड। अब सोचो, अगर एक्सेस सप्लाई है इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग डिमांड नहीं है, तो क्या हो सकता है। अगर इकोनॉमी और डिमांड कम है, तो क्या होगा, बहुत सारे अनसोल्ड स्टॉक प्रोड्यूसर के पास रखा रह जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर इकोनॉमी ओवरऑल एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड के कंपेयर में, कहने का मतलब डिमांड बहुत कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, क्या परिणाम होगा इसका। तो इससे ये होगा कि प्रोड्यूसर के पास बहुत सारे अनसोल्ड स्टॉक रह जाएंगे, बेच ही नहीं पाएगा प्रोड्यूसर। तो इससे क्या होगा, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, अगर एक्सेस सप्लाई है तो प्रोड्यूस अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, स्टॉक बचा रह जाएगा उसके पास। अब क्या करेगा, अगर उसके पास स्टॉक बचा रह जा रहा है, तो क्या वो अगले साल प्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा, कम करेगा। तो ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, जो इसके पास प्रीवियस ईयर का अनवांटेड स्टॉक था उसको क्लियर करना है। इसीलिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, अगले साल में अपना प्रोडक्शन को वो क्या करेगा, कम करेगा। जैसे ही प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन को कम किया, एग्रीगेट सप्लाई घटेगा, और जब एग्रीगेट सप्लाई घटेगा तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। अब इसका रिवर्स देखो, अगर क्या है एक्सेस डिमांड है या फिर डेफिशिएंट सप्लाई है, जितना जितना सप्लाई उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, या फिर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और बेचने वाले कम है, कहने का मतलब एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड का क्या प्रॉब्लम होगा, तो एक्सेस डिमांड से क्या होगा, एक टाइम पे
सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू बी लेस देन, एक टाइम होगा समय सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होगा जितना उसका डिमांड है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, तो अनफुलफिल्ड डिमांड, जो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाया प्रोड्यूसर उसका हमारा लॉस है यहाँ पे। तो इस चीज को कैसे प्रोड्यूसर ठीक करेगा, तो अगर हमारा एक्सेस डिमांड है या फिर डेफिशिएंट सप्लाई है, डेफिशिएंट सप्लाई कहने का मतलब क्या हुआ आप लोग समझ रहे हो, तो इसका क्या परिणाम होगा, अगर बहुत ज्यादा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो प्रोड्यूसर को यहाँ पे भी लॉस है। किस चीज का लॉस है, वो डिमांड जो कि प्रोड्यूसर फुलफिल नहीं कर पाया। अब प्रोड्यूसर फुलफिल नहीं कर पाया तो अब क्या करेगा, प्रोड्यूसर उस चीज को फुलफिल करना चाहेगा, कैसे फुलफिल करेगा, तो प्रोड्यूसर अगले साल के लिए वो ज्यादा प्रोडक्शन को प्लान करेगा। कोई कंफ्यूजन है दोनों पॉइंट में बताओ किसी को भी, ये बढ़ रहा है रेस कर देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा ये सारा पॉइंट, लिखेंगे हमारा अल्टर नेटिव अप्रोच ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। आप लोगों को पता है इक्विलिब्रियम आउटपुट को इक्विलिब्रियम जीडीपी भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। कौन सा अप्रोच कहलाएगा ये, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कैसे आया तो लिखेंगे हम लोग। लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है शॉर्ट सर रन इक्विलिब्रियम आउटपुट इज स्ट्रक व्हेन, कब हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट स्ट्रक करता है हमारा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है कंज्यम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के। आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, तो इनकम के, तो यहाँ पे ये एस इक्वल टू इनकम था इसीलिए मैंने एस के जगह पे मैंने वाई लिखा है। आगे देखते हैं फर्दर, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, आप लोग को ये भी पता है कि इनकम किसके इक्वल होता है, तो जितना हमारा कंजम्पशन है और जितना हम लोग बचाते हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे तो इनकम के बराबर आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखना चाहें तो दोनों साइड सी है, सी हमारा कैंसिल हो गया और इक्विलिब्रियम हमारा दूसरा कौन से निकाल सकते हैं, तो जिस समय हमारा प्लांट इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा प्लांट सेविंग के उस पॉइंट पे भी हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा दूसरा अप्रोच है इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का। एग्जाम में दोनों में से कोई एक अप्रोच पूछता है और जब भी पूछता है तो कितने मार्क्स का पूछता है, तो 6 मार्क्स का। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, रहना इक्विलिब्रियम आउटपुट इज स्ट्रक व्हेन प्लांट सेविंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू
एग्जैक्टली इक्वल टू प्लांड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा और भी इतना ही, ये तो ड्रॉ करना ही है, इसके अलावा भी कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो आप लोग को पता है सेविंग फंक्शन के बारे में, सेविंग क्या होता है, तो सेविंग फंक्शन के बारे में आप लोग को पता है। यहाँ पे आप लोग को डेफिनेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? सेविंग फंक्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। ये हमारा इनकम के साथ ये हमारा बढ़ता है। हाउएवर, सर लास्ट में प्लान इंटरनेट लिखे हैं क्या बोल रहे हो? थर्ड लाइन हाँ, सेकंड लाइन में। प्लांट सेविंग इज इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट। और पता है इसके बारे में? तो लिखोगे एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, सेविंग इज जीरो एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। ये सब आप लोगों को पहले से पता है, मैंने फिर भी लिख दिया। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में लिख लेते हैं। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम्ड टू बी ऑटोनॉमस। सो दैट इट इज नॉट रिलेटेड विथ रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। भी पता है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लो। अल्टरनेटिव अप्रोच देख रहे थे, क्या देखा कि इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक करता है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक करता है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड इन दोनों टर्म के बराबर होता है, आप लोग को पता है, और एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होता है, ये भी आपको पता है। इनकम को हम लोग लिख सकते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये भी मैंने बता रखा है पहले। यहाँ से सी कैंसिल, तो इनकम ये आई फॉर इन्वेस्टमेंट एस फॉर सेविंग। जिस समय हमारा प्लांड सेविंग और डिजायर्ड सेविंग इक्वल होगा, हमारा प्लांड ये जिस समय हमारा डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लांड इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा प्लांड सेविंग और डिजायर्ड सेविंग के, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम का पॉइंट। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट कब स्ट्रक करेगा? जिस समय हमारा प्लांट सेविंग एग्जैक्टली इक्वल है हमारा प्लांट इन्वेस्टमेंट के।
सेविंग के बारे में हम लोग जानते हैं, तो जब भी क्वेश्चंस आए तो इतना तो लिख देंगे। फिर हम लोग को सेविंग्स के बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी कुछ पॉइंट लिखने हैं। सेविंग्स के बारे में हम लोगों ने देखा सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन क्या है हमारा, तो ये बताता है ये पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम के साथ। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा सेविंग भी बढ़ता है। और क्या जानते हैं सेविंग के बारे में, जब हमारा इनकम लेवल लोअर होता है, कम होता है, तो उस समय सेविंग नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जिस समय हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, इनकम कंजम्पशन के बराबर है, तो सेविंग जीरो होता है, और जब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग का वैल्यू प्लस हो जाता है। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, ऑटोनॉमस, और इसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमने मान लिया है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब है ये हमारा वो इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होगा। अब इतने पॉइंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है? इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब ध्यान देना, क्या क्या डेटा चाहिए तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डेटा ड्रॉ करने में आप लोग पहले से भी एक्सपर्ट हो और अभी भी कर लोगे, हमको पता है अच्छे से। चलो हम लोग को ड्रॉ करना होगा इनकम का डेटा, या फिर कह सकते हो जीडीपी का डेटा। इनकम को मैं 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। चलो अब सेविंग्स निकालना है, तो हम लोग को क्या चाहिए, कंजम्पशन का डेटा चाहिए हम लोग को। एमपीसी, ये एमपीएस से भी निकाल सकते हैं, एमपीएस में मान लो कुछ भी। चलो जी, हम लोग सेविंग निकाल रहे हैं कौन से फंक्शन से, तो सेविंग फंक्शन से, और सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से पता है, माइनस सी बार प्लस एमपीएस इनटू वाई। सेविंग्स का डेटा ड्रॉ करने के लिए हम लोग को कोई पॉइंट चाहिए, ऑटोनॉमस कंजम्पशन चाहिए, मैं मान लेता हूँ कितना, लेता हूँ 200, चाहे 100 मान लेते हैं, डेटा मानने में बहुत दिक्कत होता है, 100। चलो एमपीएस का डेटा 0.20, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। चलो जी, अब डेटा आप लोग को फटाफट सेविंग का डेटा फाइंड करना है। क्या हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना सेविंग का डेटा, आप लोग को अच्छे से पता होगा ये चीज। निकालो डेटा, 100 प्लस 0.20 और 0 माइनस 100, दूसरा डेटा 100 ले लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे, 20 माइनस 80, फिर वही पॉइंट आ गया ना। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, कुछ डेटा में चलो चेंज कर दे या फिर छोड़ देते हैं, इनकम का डेटा हम लोग बढ़ा लेते हैं तो काम बन जाएगा ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, चार सौ, 600, 800, 1000, यहां तक देखते हैं, चेंज कर देते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन का वैल्यू मैं बढ़ा के कर देता हूँ 200। चलो 200 कर दिए, ये 100 कर देते हैं, 100 कर दिए तो क्या हो गया, देखो चेंज देखते हैं, 100 यहाँ पे ये -100, पहला वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वैल्यू 200 कितना हो गया हमारा, तो 40 यहाँ पे है, -60,
400 माइनस 40 माइनस 20 प्लस 20 40 प्लस 20 फिर 60 80 नहीं गलत मैंने कर दिया यहाँ पे 60 यहाँ पे 100 कोई दिक्कत नहीं मैं लास्ट पॉइंट दिखा देता हूँ करके 1000 मैं चेक कर ले रहा हूँ 200 और यहाँ पे माइनस 100 तो ये कितना 100 अब इन्वेस्टमेंट का डेटा मैंने मान लिया है अपने मन से कितना मान लिया इन्वेस्टमेंट का डेटा मैंने मान लिया हमारा देखो मैंने 100 मान रहा है 100 मान रहे हैं क्यों 100 मान रहे हैं चलो कोई और भी वैल्यू मान सकते हैं क्या मान लेते हैं चलो 60 मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी मान सकते हैं अपना काम है मानना बस सिर्फ कॉन्स्टेंट मानना है चलो मैं 60 मान लिया अब कौन से लेवल ऑफ इनकम पे हमारा प्लांड सेविंग इक्वल है प्लांड इन्वेस्टमेंट के तो आप लोग देख पा रहे होगे ये रीजन क्या इंडिकेट कर रहा है समय हमारा प्लांड सेविंग इक्वल है प्लांड इन्वेस्टमेंट के ये रीजन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा प्लांट सेविंग कम है और प्लांट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ये रीजन क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा कि क्या ज्यादा है हमारा प्लांट सेविंग ज्यादा है और प्लांट इन्वेस्टमेंट कम है ये तो मैंने टेबल को देख के मैंने बात किया इसको हम लोग ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है लेकिन ध्यान देना एग्जाम में ये टेबल ड्रॉ करने कभी नहीं पूछता है मैं टेबल बार बार बनाता हूँ कि क्योंकि आप लोग का कंसेप्ट में क्लैरिटी बढ़ते रहे चलो हम लोग देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं हालांकि ग्राफ आप लोग ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो हाँ ऐसे ही ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो अपने मन से आप लोग समझदार हो लेकिन फिर भी मैं चलो टेबल बनाया तो आज मैं टेबल का यूज करके ग्राफ बनाता हूँ आप लोग खुद ग्राफ बनाने में आप लोग पहले से भी एक्सपर्ट हो पता है अब अगर ग्राफ बनाओगे तो सेविंग का डेटा मैंने थोड़ा सा अजीब माना है तो हमारा ग्राफ भी थोड़ा सा अजीब ही आएगा क्योंकि हम लोग अपने मन से कोई वैल्यू मानते चल रहे हैं माइनस 100 है तो माइनस 100 करो हम लोग ड्रॉ करते हैं माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 माइनus 100 प्लस में भी 100 जाना है तो प्लस में भी हाँ 20 भी प्लस है तो चलो हम लोग वैसे ही ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन नहीं लग रहा लेकिन चलो मैं ड्रॉ कर दिया अब माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 माइनस 100 ये जीरो एवं भी जाना है प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 इनकम को ड्रॉ करना है ये क्या कितना 2000 तक तो यहां पे मान लेता हूं मैं 200 400 600 800 1000 चलो हम तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इन्वेस्टमेंट का लाइन सबसे आसान तो इन्वेस्टमेंट का लाइन है तो जीरो पे इन्वेस्टमेंट 60 200 पे भी 60 और यहाँ पे भी 60 ग्राफ हमारा आप लोग को पहले से ही पता है ये होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलो अब सेविंग का ग्राफ आप लोग को पता है नीचे से ऊपर जाता है ये पहले से मैं बता रखा हूं लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूं जीरो लेवल पे सेविंग माइनस 100 तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग किसको ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे
सेविंग्स को, ये किसकी लाइन है, तो इनकम या फिर जीडीपी। अब क्या है हमारा जीरो लेवल पे, हमारा कितना है सेविंग्स माइनस 100, जब इनकम 200 हो गया तो माइनस 60, जब हमारा कितना हो गया 400 माइनस 20, इसके अलावा 600 पे 20 हमारा ब्रेक इवन नहीं मिला, ब्रेक इवन कितना पे होगा 700 पे, मे बी नहीं कोई पॉइंट होगा, छोड़ो उससे क्या मतलब हमको, ब्रेक इवन निकालना तो नहीं है। 100 पे हमारा 20, 600 पे प्लस 20 है ना, तो ये ऊपर रहेगा, चलो 800 पे 60, तो इस पे पॉइंट आएगा इस लाइन पे, और 1000 पे 60, 1000 पे कितना आया 100, 100, तो 1000 पे 100 ये ऊपर पॉइंट गया। अब ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और ये सेविंग का लाइन है, पॉइंट क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम, क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस पे क्या है सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, इधर देखो कौन ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट की लाइन ऊपर है और सेविंग की लाइन नीचे है, आप लोग यहां से भी देख सकते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इससे पहले, तो इससे पहले इधर है इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेविंग कम, इस पॉइंट पे बराबर, इसके बाद इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग्स ज्यादा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग किसी को भी, आप इन द सिचुएशन ऑफ In the situation of savings greater than it, इसको मैं erase कर देता हूँ, लिख लो S, S greater than I, it implies a situation, sir, हाँ एक question, इन केस एस ग्रेटर देन आई इट इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन ऑल इन expenditure through savings, savings is more than the rise in expenditure
थ्रू इन्वेस्टमेंट accordingly aggregate expenditure would be less than what is needed to buy the planned output. Some output remains unsold. The producer will have undesired stock. To clear their stock, the producer would plan lesser output. Lesser output would mean less income would lesser saving. This process continue till सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. आप लोग इसको राइट डाउन कर लो. समझ रहे हैं? तो सेविंग्स का वैल्यू ग्रेटर है हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा प्लांड सेविंग ग्रेटर है प्लांड इन्वेस्टमेंट से. क्या समझ का मतलब? तो मुझे ये बताओ, अगर हमारा हम सेविंग करेंगे तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ, अगर हम सेविंग कर लेते हैं तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घटेगा कि बढ़ेगा?
डिक्रीज होगा सर. हाँ अगर हम लोग सेविंग करेंगे तो मतलब क्या हम खर्च कम कर रहे हैं. अब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. अब ध्यान देना, तो ये टर्म क्या बताना चाह रहा है, ये टर्म बता रहा है कि जो एक्सपेंडिचर घट रहा है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिस समय जो हमारा एक्सपेंडिचर घट रहा है सेविंग्स तो सेविंग्स के थ्रू जितना हम एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं वो ज्यादा है किससे, जो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हमारा इन्वेस्टमेंट के थ्रू. ध्यान देना, यहाँ पे सेविंग्स ज्यादा है, क्या मतलब हुआ इसका कि जितना हम लोग एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं वो सेविंग्स के थ्रू वो ज्यादा है किसके कंपेयर में, जो कि हम लोग एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू. कहने का मतलब इस सिचुएशन में हम लोग एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं. कहने का मतलब क्या है, अगर हम ज्यादा सेविंग्स के थ्रू एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा इकोनॉमी में वो हमारा कम है. हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में वो कम है जितना हमारा एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए. कहने का मतलब क्या है, अगर हम ज्यादा पैसा क्या कर रहे हैं सेव करके हम लोग एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा कम हो जाएगा किसके कंपेयर में, एग्रीगेट सप्लाई के कंपेयर में. अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह जाएंगे. अगर प्रोड्यूसर के पास स्टॉक अनसोल्ड है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ये अनसोल्ड है इसी को मैंने लिखा है, प्रोड्यूसर विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक. प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक पड़ा हुआ है तो प्रोड्यूसर इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए क्या करेगा, लेस आउटपुट प्रिपेयर करेगा, लेस आउटपुट प्लान करेगा. अगर लेस आउटपुट प्रोड्यूसर प्लान करता है तो इससे क्या होगा, लोगों के पास इनकम भी कम जाएगा. जब लोगों के पास इनकम जाएगा तो लोगों का सेविंग्स भी घटने लगेगा और कंसिक्वेंटली क्या होगा, हमारा ये कब तक चलेगा, जब हमारा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए. ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई बताओ. इस वाला पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं फिर हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे. क्या बता रहे, लिख लेते हैं, बता देते थोड़ी देर में. आप लोग इसको राइट डाउन कर लो. हाँ ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो इसके पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था कौन सा सिचुएशन, ये डेफिशिएंट डिमांड वाला सिचुएशन. अब आप लोग कौन सा पढ़ रहे सिचुएशन, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन. क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन. ये कौन सा, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट सप्लाई का सिचुएशन. इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो प्लान सेविंग लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट. लोगों ने राइट डाउन कर लिया, सभी लोगों ने राइट डाउन कर लिया है ना, लिख रहे हैं. तो एस लेस देन आई क्या मतलब समझे, तो आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया सेविंग्स के थ्रू हम लोग एक्सपेंडिचर को कम करते हैं और इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम लोग एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं. अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, मतलब क्या कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट को ये हम लोग जो एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो ज्यादा है जितना हम लोग एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं सेविंग्स के थ्रू. ध्यान देना, तो उसी चीज को मैंने वर्ड्स में लिखा है, इट इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू सेविंग्स. जो एक्सपेंडिचर हम लोग कम कर रहे हैं सेविंग्स के थ्रू वो कम है किसके कंपेयर में,
जितना हम लोग एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं किससे, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे तो कौन सा सिचुएशन क्रिएट होगा कि एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई के कंपेयर में। कहने का मतलब है, अगर हम लोग कम सेविंग्स कर रहे हैं और ज्यादा पैसा हम लोग एक्सपेंडिचर के थ्रू बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो क्या होता है इस सिचुएशन में, आप लोग को पता है, अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का, वो डिमांड जो कि प्रोड्यूसर नहीं फुलफिल कर पाया। अब इसी अनफुलफिल्ड डिमांड को फुलफिल करने के लिए, यहाँ पे ईडी नहीं होगा, टू फुलफिल अनफुलफिल्ड डिमांड, प्रोड्यूसर क्या करेगा, अगले साल के लिए वो ज्यादा आउटपुट प्लान करेगा। ज्यादा आउटपुट वो प्लान करेगा तो उससे ज्यादा इनकम का जनरेट होगा, और ज्यादा इनकम का जनरेट होगा तो सेविंग्स भी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। और अगर सेविंग्स बढ़ेगा तो ये एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगा, सेविंग्स प्लांट सेविंग्स इक्वल टू हमारा प्लांट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हमारा कौन होगा प्लांट सेविंग और प्लांट इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाए। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? नो सर। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलो।